मनुष्यों ने सबसे पहले खोज की अपनी ज्ञान ध्यान तपस्या उससे उनके जो अनुभव में उतरा उनको वेद कहते हैं। उन्हीं वेदों का सूक्ष्म रूप उपनिषद है और उपनिषद आप पढ़ेंगे यूं तो अनेकों उपनिषद है, मुख्य 11 उपनिषद है। उनमें सबसे पहला ईशोपनिषद है, बहुत छोटा। उस ईशोपनिषद की प्रार्थना जब प्रारंभ करते हैं, जैसे अपन कोई काम करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं आदि आदि देवताओं की, उसमें एक प्रार्थना है जो देव देवताओं के बारे में नहीं है, किंतु ये बताया है ये भी सत्य है वह भी सत्य है। जो हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं यह, जो दिखाई नहीं देता किंतु अस्तित्व स्वीकार करते हैं वह कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिखाई देता है ये भगवान द्वारा सृष्ट प्रकृति और संसार है, जिसको हम देखते हैं, जिसको कहते हैं कि वह निस्सार है, लेकिन उपनिषद कहता है ये भी सत्य है। और वह का मतलब है परम पिता परमेश्वर। नास्तिक विचारधारा के अतिरिक्त दुनिया भर के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह जो दिखाई नहीं देता वह भी सत्य है, वह पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने के बाद भी पूर्ण ही शेष बचता है। यह है ईशोपनिषद की प्रारंभिक प्रार्थना। पहला सूत्र है, कुल 18 सूत्र है। बहुत गंभीर, लेकिन सबसे पहले उस बात को कहा है जो परम सत्य है। उस परम सत्य को समझने के लिए फिर धीरे से हल्का स्तर बना करके हमको सजाते हैं, वो दूसरा मंत्र है, फिर तीसरा है, 14, इस तरह से। सबसे पहले केवल भारतवासी नहीं, दुनिया के पूर्वी भाग में जो देश है उन सब ने स्वीकार किया इसको, और पश्चिम वाले अब भी स्वीकार करें न करें उनकी मर्जी है। इस उपनिषद का पहला शब्द है ईश, का अर्थ है ईश्वर, और इसी से ईशोपनिषद बना है। तो ईशा वश्यम इदम सर्वम, इदम ईशा वश्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यत किंच का मतलब जो कुछ भी इस संसार में है वह ईश्वर द्वारा आच्छादित है। ये सत्य प्रकट किया भारतवर्ष में। तन सिंह जी अनेकों वैदिकों में इसका उदाहरण दिया करते थे, इसलिए हमारे लिए भी ये पूज्य स्थान रखता है। ईशा वश्यम, उसका वास है, इदम सर्वम, ईशा का वास है इस सब में। है
तेन टेक्टेड बूंजी था मा जुवह कसे श्रद्धनो, तेन का मतलब उसको जो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर द्वारा अच्छा देते हैं, ईश्वर में जो समाहित है, ईश्वर जिसमें समाहित है, प्रकृति की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, तो इस संसार में जो कुछ भी है तेन तेन उसको अपना मत समझो, ये भगवान का है, तेन तेन इसलिए उसका त्याग कर दो, अपने लिए नहीं, सदुपयोग की मना नहीं है, लेकिन जो ही हमने उसको अपना माना, ममत प्रसिद्ध किया संसार की कोई भी वस्तु में, वहीं से हमारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है आध्यात्मिक। हो सकता है आप आईएएस बन जाएं, हो सकता है आप राजनेता बन जाएं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। जो भगवान की दी हुई वस्तु पर लालसा रखता है, आंखें गड़ाए रहता है, तेन तेन भूंजिता, भूंजिता का अर्थ है भोग, लेकिन इसका सही अर्थ उपनिषदकारों ने बताया है, व्याख्याकारों ने बताया है, टीकाकारों ने बताया है, ये भोग नहीं है, उपभोग नहीं है, सदुपयोग है। जो कुछ दिया है भगवान ने, पति को पत्नी दी है, वो भोग के लिए नहीं है, संसार चक्र को चलाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। इससे अधिक यदि भोग में हम लग जाते हैं तो यात्रा रुक जाती है, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ और यात्रा रुकी। जो वस्तुएं मिली हैं, चाहे आपको सत्ता में आप आए हैं, लेकिन सब भगवान की माया है, उस माया पर जो ही ये अधिकार जमाने की कोशिश की, वही अहंकार उत्पन्न होगा और अहंकार से मद पैदा होगा। जहां मद है वहां क्रोध आ जाएगा, विकारों का एक परिवार है वह दौड़ आएगा। तेन तेन भूंजी था, सदुपयोग करें, सब कुछ सदुपयोग के लिए है। जैसे इस मकान में हम रहते हैं, ये हमारा नहीं है, हमको भगवान ने सुविधा प्रदान की। जैसे आपकी पत्नी आपको मिले, वो आपकी नहीं है, भगवान की दी हुई है। जैसे आपको डाक बंगला मिला है, कार मिली है, सत्ता मिली है, वह सब भगवान का है। ऐसे यदि शासक बन जाएं, ऐसे क्षत्रिय बन जाएं, ऐसे वणिक लोग बन जाएं, ऐसे ब्राह्मण बन जाएं, ऐसे ही जिनको हम शूद्र कहते हैं, अल्पज्ञ और अक्षम, उनको जो कुछ मिल जाए वो भगवान का दिया हुआ है। तेन तेन भूंजी था मा गृदह है, मां का मतलब नहीं, गिद्ध मत बनो। गिद्ध कितना आकाश में उड़ता है और कंकाल पर नजर रहती, ये सब कंकाल की तरह से है, खाया पिया और खत्म, भोग किया और खत्म। मां गृह गिद्ध मत बनो, कस्य का मतलब किसका, ये जो धन जिसको हम संपत्ति बांधते हैं, पत्नी को संपत्ति बांधते हैं, सत्ता को संपत्ति बांधते हैं, पुत्र को संपत्ति बांधते हैं, ये जो धन है ये किसका है, इस प्रश्न हमारे सामने छोड़ दिया, उत्तर पहले दे दिया, ये सब भगवान का। इस ये एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसका हम प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ समझ लें बहुत अच्छा रहेगा। परमपिता परमेश्वर की ओर जाने का ये सूत्र
जीवन में बदलाव लाएगा और इसी शिविर से आपके जीवन में एक यात्रा प्रारंभ होगी, एक हरकत होगी। जैसे तप से कुंडलिनी का जागरण होता है और वो जागरणी अभी कुंडलिनी है, वो जागृत होती है तो अधिष्ठान और उसके इस तरह से 7-8 पड़ाव हैं तो आखिर में जाके ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। तो ये सूत्र है, जीव और ब्रह्म को मेल कराने का सूत्र है। ये सारी यात्रा इस बात को ध्यान में रखते हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो क्षत्रिय युवक संघ का शाश्वत उद्देश्य बताया ईश्वर को प्राप्त करना, इस जीवन का उद्देश्य बताया क्षात्र धर्म का पालन करना, ये सब अपने आप घटित हो जाएंगे। आज के मंगल प्रभात में क्षत्रिय युवक संघ की ओर से यही मंगल संदेश है।